तो एक टाइम था जब हमें वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग सीखनी पड़ती थी, या फिर किसी बंदे को हायर करना पड़ता था, देन डोमेन बाय करना पड़ता था, होस्टिंग बाय करनी पड़ती थी, फिर कहीं जाके हमारी एक नॉर्मल सी वेबसाइट तैयार होती थी और वो पब्लिश होती थी। बट गाइस, अभी ज़माना है AI का। आप AI का यूज़ करके कुछ मिनटों में वेबसाइट बना सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। भले आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, या फिर अपने कंपनी के लिए वेबसाइट बनानी हो, या फिर अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो, तो गाइस आप आराम से बना सकते हो। सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगी। आप कस्टम डोमेन से कनेक्ट भी कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये वेबसाइट काफी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप भी एक वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं 3 वेबसाइट बताने वाला हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली वेबसाइट से। जो हमारी पहली वेबसाइट है गाइस, इसका नाम है mixo.io। और इस वेबसाइट को गाइस यहां पर मैंने अपने लैपटॉप में ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो कि गाइस यहां पर लिख रखा है कि कुछ सेकंड के अंदर आप अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो। बेसिकली ये करती क्या है कि आपको सिर्फ अपना स्टार्टअप आइडिया यहां पर लिखना है और अपने आप गाइस ये 2-3 मिनट के अंदर आपको पूरी एक वेबसाइट बनाकर दे देगी यूजिंग ChatGPT और DALL-E 2। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, पर पहले आपको वेबसाइट के मैं फीचर दिखा देता हूं। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है AI पावर्ड लॉन्चर। यहां पर लिखा है जनरेट योर एंटायर वेबसाइट कंटेंट इन सेकंड्स, यानी आप पूरी वेबसाइट का कंटेंट कुछ सेकंड्स के अंदर जनरेट कर सकते हो। तो देखते हैं भाई कैसा है। तो यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा ना गाइस, सबसे पहले ये मुझसे पूछेगा कि आपके स्टार्टअप आइडिया क्या है, यानी आपको यहाँ पर लिखना है कि आप वेबसाइट क्यों बनाना चाहते हो। अगर आपका कोई स्टार्टअप है, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, या फिर कोई आप ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, या फिर आपकी कंपनी की वेबसाइट है, तो आपकी कंपनी क्या करती है वो यहाँ पर गाइस आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि भाई एक टेक CM एक शू कंपनी है, तो हम ऑनलाइन शू यहाँ पर सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 लाइन लिख दी है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश यहाँ पर लिखी है। आपको कोई भी यहाँ पर हार्ड इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जनरेट वेबसाइट पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना गाइस, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये AI का मदद लेगा, देन ChatGPT की मदद लेगा, DALL-E 2 की मदद लेगा, और फिर उसके बाद गाइस आपको पूरी एक वेबसाइट बनाकर दे देगा। अब गाइस यहाँ पर आप वेबसाइट देखो गाइस, इसने बनाकर हमें दे दी है। और गाइस यहाँ पर आप कंटेंट देखो, कंटेंट भी गाइस काफी सही है। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि गाइस ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। आपके PC में भी चलेगी, आपके लैपटॉप में भी चलेगी, आपके फोन में भी चलेगी, आपके iPad में भी चलेगी, हर जगह गाइस ये चलने वाली, तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। उसके बाद जो भी कंटेंट इस वेबसाइट में यूज करा गया है, फोटो वीडियो, वो सब नॉन कॉपीराइट है, तो कोई भी कॉपीराइट आपको आने वाला नहीं है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, बिल्कुल SEO फ्रेंडली वेबसाइट है, तो गाइस आराम से इसको आप यूज कर सकते हो। अब गाइस सिंपली यहाँ पर आप एडिट पे जाओगे, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हो, फोटोज एडिट कर सकते हो, पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, जैसी भी आपको वेबसाइट चाहिए, और वो आराम से गाइस ये वेबसाइट करके दे देगी। अब गाइस सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगा बताया, सबसे बढ़िया बात यह है कि गाइस जो भी ये वेबसाइट आपको तैयार करके देती है, या फिर जो भी जनरेट करके देती है, वो वेबसाइट काफी फास्ट होती है। अगर ना आप उसको पब्लिश भी कर दोगे ना, फिर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करोगे, तो जो स्कोर होगा वो भी 90+ आएगा, जो कि गाइस काफी सही रहता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना चाहते हो गूगल के सर्च इंजन में, या फिर SEO करना चाहते हो, तो गाइस वो काफी हेल्प करने वाला है। तो एट द एंड मैं बोलूंगा कि गाइस वेबसाइट काफी सही है, आराम से गाइस वेबसाइट बना सकते हो कुछ सेकंड्स के अंदर और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो। अब गाइस कैसे इसको डोमेन से कनेक्ट करना है, तो डोमेन से कनेक्ट करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर इसका पेड प्लान बाय करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि आप पेड प्लान तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये होस्टिंग आपको फ्री में देता है, आपको सिर्फ डोमेन कनेक्ट करना है। जैसे आप डोमेन कनेक्ट करोगे, आपका यहाँ पर कस्टम डोमेन यहाँ पर अपने आप हो जाएगा। उसके बाद गाइस होस्टिंग तो इसने फ्री में दी है, और आराम से गाइस आपकी वेबसाइट यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी। तो काफी सही है, आराम से यूज कर सकते हो। ये थी गाइस हमारी पहली वेबसाइट जिसका यूज करके आप सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर अपनी एक वेबसाइट तैयार कर सकते हो। भले आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो, या फिर अपनी कंपनी की वेबसाइट बनानी हो, आराम से बना सकते हो। अब चलते हैं गाइस हमारी सेकंड वेबसाइट पे। जो हमारी सेकंड वेबसाइट है, इसका नाम है गाइस durable.co। तो गाइस इस वेबसाइट को अपने लैपटॉप पर मैंने ओपन कर लिया है, और आप भी देख पा रहे होंगे। और इस वेबसाइट की जो टैग लाइन है ना, वो काफ़ी कमाल की है। लिखा हुआ है बिल्ड अ वेबसाइट इन 30 सेकंड्स विद AI। तो चेक करते हैं कि भाई 30 सेकंड्स के अंदर हमारी वेबसाइट बनती है या नहीं बनती है। पर उससे पहले गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो उनके फीचर्स काफ़ी सही है, कि आप कुछ सेकंड्स में मार्केटिंग शुरू कर सकते हो, कुछ सेकंड्स में अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो। तो गाइस वेबसाइट तो काफ़ी सही लग रही है, तो चेक करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैंने जनरेट योर वेबसाइट पर क्लिक कर दिया है। और उसके बाद गाइस ना यहाँ पर 2-स्टेप प्रोसेस है। आपको पहले डालना पड़ेगा कि आपका बिजनेस क्या है, किस बिजनेस के ऊपर आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हो, तो वो आपको
सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका मार्केटिंग का बिजनेस है तो मार्केटिंग सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका कोई भी बिजनेस हो एग्जांपल के लिए आप ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग या फिर ब्लॉग सिलेक्ट कर लेना, बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपका बिजनेस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं सजेशन पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एडिटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल सी। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ना वो ये है कि गाइस आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। तो यहाँ पर गाइस मैं डाल रहा हूँ टेक्सीएम, जो कि हम हमेशा ही डालते हैं, तो यहाँ पर मैं टेक्सीएम डाल दूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब गाइस ये देखो इसने वेबसाइट बनाना शुरू कर दी है, यहाँ पर लिखा आ चुका है कि हम आपके लिए वेबसाइट जनरेट कर रहे हैं और इवन गाइस बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि 30 सेकंड के अंदर वेबसाइट बनती है या नहीं बनती है। तो गाइस अभी कुछ 12 या 13 सेकंड हुए हैं तो थोड़ा हम और वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है योर वेबसाइट इज रेडी, तो यहाँ पर मैं सी इट पे क्लिक कर देता हूँ और गाइस यहाँ पर वेबसाइट आ चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस मैं आपको बताऊँ ना तो इसने मेरी लोकेशन में ले ली है, मैं अभी करेंटली उदयपुर में हूँ। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है उदयपुर एडिटिंग एक्सीलेंस, इसने शायद मेरी लोकेशन लेके यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद गाइस इसने काफ़ी सही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, कॉन्टैक्ट का बटन भी यहाँ पर आ चुका है, एंड देन गाइस यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स भी है जो कि भाई मेरे साथ काम नहीं किया किसी ने, बट यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इसने टेस्टिमोनियल्स भी दे दिए हैं कि जो भी मेरे क्लाइंट है उनने मेरे को रिव्यू दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर कॉपी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, उसके बाद स्ट्रक्चरल एडिटिंग और भी बहुत सारे गाइस यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएगी। इवन गाइस एंड में आपको कॉन्टैक्ट अस पेज भी देखने को मिल जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए गाइस मुझे यहाँ लोकेशन वाला पेज अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर मैं रीजनरेट सेक्शन पर क्लिक कर सकता हूँ और ये AI की हेल्प से वो पूरा पेज रीजनरेट कर देगा, जो कि काफ़ी सही है, जैसे कि आप और अच्छी और यूनिक वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हो। अब गाइस durable.co में ना आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे अगर मैं कस्टमाइज पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर आप देखो अनलिमिटेड रीजनरेशन आपको देखने को मिल जाता है, यानी अगर आपको जितनी भी यूनिक वेबसाइट बनानी है तो गाइस यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर आपको एडिटिंग टूल्स देखने को मिल जाते हैं, आप कस्टम डोमेन कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको स्टॉक इमेजेस एंड आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, वेबसाइट को आप पूरा एनालाइज कर सकते हो, डैशबोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कितने व्यूज आए आपकी वेबसाइट पे, कितने कन्वर्जन हुए, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, SEO टूल्स आपको देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ना गाइस जो इसने वेबसाइट बना के दी ना वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, तो आप अपने फोन में अपने iPad में कहीं भी इसे ओपन कर सकते हो। एंड गाइस वेबसाइट होस्टिंग आपको पहले से यहाँ पर देखने को मिलती है, आपको कोई होस्टिंग बाय करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको दूसरी होस्टिंग नहीं लेनी है, सिर्फ डोमेन को कनेक्ट करना है और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। और यहाँ पर और भी आपको AI टूल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस ये थी हमारी सेकंड वेबसाइट जिसका नाम है durable.co। अब ये भी एक पेड वेबसाइट है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वेबसाइट यूज़ करोगे तो कोई मतलब नहीं, आपको कस्टम डोमेन तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, और जब भी कस्टम डोमेन हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें पैसे देने ही पड़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर इनके प्लान्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जो काफ़ी सस्ते हैं, तो गाइस आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो और कुछ सेकंड्स के अंदर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी सेकंड वेबसाइट, अब चलते हैं हमारी थर्ड और लास्ट वेबसाइट पे। जो हमारी लास्ट वेबसाइट है इसका नाम है गाइस 10web.io, इसे भी मैंने अपने लैपटॉप पर ओपन कर लिया है। अब इस वेबसाइट की खासियत ये है कि गाइस ये जो वेबसाइट आपको बना के देता है ना वो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पर बना के देता है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें वर्डप्रेस के बारे में पता ही होगा, वर्डप्रेस एक काफ़ी सही टूल है जहाँ से आप ब्लॉग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट काफ़ी सही बना सकते हो, और जो वर्डप्रेस की कम्युनिटी ना वो भी गाइस काफ़ी बड़ी है। तो गाइस आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कम्युनिटी गाइडेंस मिल जाता है और आप अपनी वेबसाइट को काफ़ी सही बना सकते हो, और SEO के लिए भी ना वर्डप्रेस वेबसाइट को यहाँ पर रिकमेंडेड किया जाता है क्योंकि उनका SEO काफ़ी सही हो जाता है। तो अगर आप वर्डप्रेस के फैन हो, अपनी वेबसाइट को और अच्छा बनाना चाहते हो एंड SEO उसका काफ़ी सही करना चाहते हो तो गाइस ये वेबसाइट आपके लिए अच्छी है, क्योंकि गाइस एक तरह से ना ये वर्डप्रेस की प्लगइन आप मान सकते हो, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट बन रही है ना वो तो वर्डप्रेस पर ही बन रही है, एंड उसके बाद आप वर्डप्रेस की जो भी कम्युनिटी है या फिर वर्डप्रेस की जो भी प्लगइन है उनको यूज़ करके गाइस आप अपनी वेबसाइट पर ना चार चांद लगा सकते हो। तो गाइस यहाँ पर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद गाइस हमें यहाँ पर अपनी ID से लॉगिन करना पड़ेगा। तो फटाफट गाइस यहाँ पर मैं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी कर लेना। अब गाइस देखो इसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई क्या आपको बेटर डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं ई कॉमर्स सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद गाइस कितने लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ पर मैं 1, 2, 3 सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद गाइस ये आपसे काफ़ी मेन क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है, आपको एक अलग वेबसाइट बनानी है जैसे कि मिक्सो और ड्यूरेबल में बनी थी, या फिर गाइस आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना चाहते हो AI से। तो आपको मैं अगर रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आपको वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पर आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करो, अगर आपको नॉर्मल वेबसाइट बनानी है जैसे कि आप नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर बनाना चाहते हो विदाउट वर्डप्रेस तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे वर्डप्रेस पे नहीं बनानी है, क्योंकि वर्डप्रेस के लिए फिर बहुत सारा तामझाम होता है, वर्डप्रेस पे लॉगिन करना देन बहुत सारा काम होता है, बट हम AI का यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस नॉर्मल सी वेबसाइट बनानी है हमें, तो वो नॉर्मल की वेबसाइट आराम से हम यहाँ से ही बना सकते हैं। अब गाइस हमें यहाँ पर बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर गाइस मैं इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक निश में। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। एंड गाइस ये मेरे से कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि आपको कैसे यहाँ पर अपनी वेबसाइट का टेम्पलेट चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट इसने दे रखी है, बट गाइस मैं
याली टेम्पलेट के साथ जाऊंगा जो फर्स्ट वाली आ रही है, उसके बाद गाइज मैं वापस नेक्स्ट कर दूंगा। आप गाइज ये कंपनी का नाम वाम पूछ रहा है, तो गाइज यहाँ पर कंपनी का नाम हम वापस टेक्सीएम लिख देंगे। डिस्क्राइब करना चाहता है तो गाइज यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया अपनी कंपनी को। देन गाइज ये बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है मेरे से, तो गाइज फटाफट से गाइज यहाँ पर मैं इनके आंसर दे देता हूँ। एंड गाइज यहाँ पर ये मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का टोन कैसा होना चाहिए, यानी जो भी कंटेंट लिखा रहेगा वेबसाइट में वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फॉर्मल पे क्लिक करके फाइनलाइज कर दूंगा और उसके बाद गाइज ये वेबसाइट जनरेट करना शुरू कर देगा यूजिंग AI। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहले ये ब्लैंक पेज बनाएगा, देन होम पेज बनाएगा, देन सर्विस लिखेगा, उसके बाद लेआउट क्रिएट करेगा, देन उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का कंटेंट लिखेगा और एट द एंड गाइज आपको वेबसाइट बना के दे देगा। और वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होने वाली है, तो ये हर जगह ओपन हो जाएगी आपके फोन में, आईपैड में, तो जहाँ भी आप ओपन करना चाहते हो आराम से गाइस ये ओपन हो जाएगी। तो थोड़ा यहाँ पर वेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम देखें तो मिक्सो में वेबसाइट बनने में कुछ 2-3 मिनट लगे थे, वहीं अगर ड्यूरेबल की बात करें तो वहाँ पर वेबसाइट बनने में 30 सेकंड से भी कम टाइम लगा था, और अगर 10 वेब की बात करें तो यहाँ पर वेबसाइट बनने में कुछ करीब 2 मिनट लगे। तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है और यहाँ पर मैं प्रीव्यू एंड एडिट पे क्लिक कर दूंगा। और गाइस आप देख सकते हैं उसने वेबसाइट बना दी, टेक्सीएम योर अल्टीमेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन, वेलकम्स टू टेक्सीएम योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग TV, फ्रिज एंड मच मोर। और उसके बाद गाइज इसने अपनी वेबसाइट को काफ़ी सही बनाया, यहाँ पर देखो यहाँ पर रेटिंग्स भी लिख रखी है हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद गाइज यहाँ पर फीचर्स बेनिफिट हमारी टीम में क्या क्या है, कौन कौन जने हैं वो भी गाइज यहाँ पर लिख दिए, हैप्पी कस्टमर्स जो भी रिव्यूज़ होते हैं वो भी गाइज एट द एंड आ गए हैं, और एट द एंड यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब टू योर न्यूज़लेटर। तो गाइज इसने भी वेबसाइट बना के दे दी है सिर्फ 2 मिनट के अंदर, हमको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ा, इसने कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे, पर गाइज एट द एंड मैं बोलूँगा कि सबसे बढ़िया वेबसाइट जो बना के दिए ना इसी ने दी है, क्योंकि इसने ना बिल्कुल सही वेबसाइट बना के दी है। यहाँ पर गाइज ऐसे के एग्जाम्पल के लिए मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी थी, तो गाइज ई कॉमर्स वेबसाइट का इसने काफी बढ़िया होम पेज बना के दे दिया है, और उसके बाद गाइस मैं प्रोडक्ट में ऐड कर सकता हूं और उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट को काफी सही बना सकता हूं। तो गाइस एट द एंड मैं बोलूंगा कि ये तीनों वेबसाइट काफी मस्त है, आराम से यूज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को कुछ सेकंड्स के अंदर बना सकते हो। तो मैं बोलूंगा तीनों को यूज करो, तीनों पर अपनी वेबसाइट बनाओ और चेक करो कि सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको कहां मिला, जो भी सही लगे उसके साथ फिर आगे आप जा सकते हो। उसका पेड प्लान आपको बाय करना पड़ेगा जब भी गाइस आप कस्टम डोमेन ऐड कर पाओगे, और उसके बाद गाइस आराम से आप वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हो। तो गाइस AI के जमाने में वेबसाइट सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर बन जाती है, अगर आपको नॉर्मल वेबसाइट बनानी है तो आराम से गाइस बना सकते हो, भले आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, आप ब्लॉग वेबसाइट बनाओ, आप अपनी कंपनी को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो तो उसके लिए लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो तो वो आराम से बना सकते हो इन वेबसाइट का यूज करके। तो होपफुली गाइस आपको याली वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको याली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इन तीनों वेबसाइट में सबसे बढ़िया वेबसाइट कौन सी लगी। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।